चलिए चलते हैं पिशाचिनी की दुनिया में। अरे भाई, पिशाचिनी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पिशाचिनी टीवी की पिशाचिनी है जो हमारा मनोरंजन करने के लिए ही अवतार धारण करके आई है टीवी पर। तो चलिए हम भी आपको कहानी टीवी पर ही तो दिखा रहे हैं, देखिए बड़ा मजा आएगा। पिशाचिनी की कहानी में मसाला है, पावर है, लेकिन कभी कभी पिशाचिनी का पावर बिजली की तरह ऑफ हो जाता है, मतलब जादू नहीं चलता। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिशाचिनी पेड़ की शाखों में फंस चुकी है, पर फंसने से ज्यादा आप देखेंगे कि पृथ्वी के मानव ने पिशाचिनी को फंसाया है। देखो कैसे पिशाचिनी को मम्मी की तरह लपेटा जा रहा है, कभी सीन में बाल टेंशन दे रहे हैं तो कभी हरे हरे पानी की बौछार में पिशाचिनी पिसी हुई महसूस कर रही है। पृथ्वी के मानव ग्रीन जल पेड़ के ऊपर से बरसा रहे हैं तो कभी पर्दे के पीछे से। पिशाचिनी का पावर काफी देर तक ऑफ हुआ है, तभी तो उसे चला भी नहीं जा रहा, बल्कि कुर्सी के साथ मानव उसे उठा रहे हैं और वो इस पल को खूब इंजॉय कर रही है, चाहे वो रॉकी के साथ फोन पर ही क्यों ना हो। इतने सारे कांटे चुभे मेरे को, कीले वीले सब स्क्रैच वैच हो गया है। इट्स इट वाज जस्ट क्रेजी, यू नो, गीला है, द क्लोथ्स आर वेरी फ्लेरी एंड यू नो द पैर वेर फिसल रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वाज वेरी डिफरेंट, बट या इट वाज वेरी स्केरी आल्सो। कुछ ना कुछ चलता रहता है उसका, उसको कहीं भी कर दो, थोड़ा सा नाटक करती है, हमें हंसाती है और फिर कंटिन्यू करती है शूट। नहीं, बहुत मज़ा तो बहुत आता है, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली डायरा है ही बड़ी फनी। हाँ, तो कुछ ना कुछ करती रहती है। सो जब भी यू नो उसके उसे मुंह बांधो या लटका दो या तो इट्स अ वेरी, मतलब आई एम श्योर शी मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट, बट वो कभी ऐसे दिखाती नहीं है। नायरा बैनर्जी यानी कि पिशाचिनी को आए दिन कभी हारने से लटकना पड़ता है तो कभी पेड़ की शाखों से बंधना पड़ता है। ये सभी एक्शन से भरे सीन होते हैं और जब ऐसे सीन आते हैं तो नायरा का रिएक्शन ही बदल जाता है, लेकिन पापी पेट के खातिर ये सब करना ही पड़ता है। पहला रिएक्शन तो मेरा ये होता है, हे भगवान आज मेरी वाट लगने वाली है। बट आई एम लाइक, चलो यार, यू आर हियर टू वर्क, यू आर हियर टू डू इट, जस्ट डू इट विद ऑल स्पिरिट, यू कैन नॉट अवॉइड इट, एंड इफ यू स्पॉइल इट, इट्स गोना बी, यू गोना हैव अ बैड सीन। तो अब तक ये पर्दे के पीछे की कहानी रही, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर पिशाचिनी की ये हालत कैसे हुई। कहानी में अब पिशाचिनी के सामने महापिशाच आ चुका है जो खुद को ताकतवर बनाना चाहता है, लेकिन पिशाचिनी नहीं चाहती कि वो ताकतवर बने। तो वेरी एक्साइटेड कि अब महापिशाच आए तो डबल ट्रबल, यू नो पिशाचिनी तो है ही, अब उससे भी स्ट्रॉन्ग अगर कोई है महापिशाच तो अब क्या होगा। सो अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस भी आने वाला है जो कि अब तक की सबसे बड़ी फाइट होगी, एंड आई एम ऑल्सो लिटिल स्कैर्ड कि पता नहीं कितनी चोटें लगने वाली है उसमें। ऊपर से पिशाचिनी के साथ ये खेल हुआ कि वो मैजिक ट्री के पास पहुंच गई जहां पेड़ उसे अपने अंदर समा लेना चाहता है, जिससे वो बचना चाहती है, लेकिन उसकी एक नहीं चल रही। पवित्रा और रॉकी भी चाहते हैं कि पिशाचिनी से किसी तरह से छुटकारा मिल जाए। ट्विस्ट है क्योंकि अभी तक आपने हमेशा यही देखा होगा कि पिशाचिनी इतने पावर्स यूज करके, इतने चाल चल के, यू नो वो लोगों को क्या क्या नहीं कर रही है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन शी स्टक टू अ ट्री, सो गेटिंग स्टक टू अ ट्री एंड डूइंग थिंग्स विल बी समथिंग न्यू फॉर द ऑडियंस। पिशाचिनी को पेड़ ने तो अपने अंदर खींच लिया है, लेकिन पिशाचिनी यहाँ से जरूर बाहर निकल जाएगी, वो कैसे ये तो आप बहुत जल्द जरूर देखेंगे। लेकिन फिक्र तो पवित्रा और रॉकी को करनी चाहिए क्योंकि अब उन्हें सिर्फ पिशाचिनी से ही नहीं बल्कि महापिशाच का भी सामना करना पड़ेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।